हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना मेकओवर। मैं सपना, कैसे हूँ आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा लुक मेकअप लेके आई हूँ, जो कि आपको भी बहुत ही पसंद आने वाला है। उसके लिए मैंने सबसे पहले स्किन को प्रेप कर लिया था फिर से ब्यूटी के प्राइमर से। अब मैं मार्स का फाउंडेशन लेकर डैब डैब करके फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से अप्लाई करना है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। कितना स्मूथ ब्लेंड हो आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद प्राइमर लेंगे स्वीटी ब्यूटी का, और जिस एरिया को हमें हाईलाइट करना है उस पर हम हाईलाइट करेंगे, वो हम अप्लाई कर लेंगे। अच्छा से अप्लाई करने के बाद इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारे जो डार्क स्पॉट होते हैं उसे छुपाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, हाइड कर देता है सभी को। इसके बाद मैंने स्वीटी ब्यूटी का ब्लश, हुडा ब्यूटी का ब्लश लिया, लिक्विड ब्लश, इसे अप्लाई कराएंगे अपने फेस पे और ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्मूथिंग ब्लेंडिंग कितनी स्मूथ हुई है। और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट से अपने फेस को लो किया, मेकअप जो मैंने किया था उसे लो कर लिया, जिससे कि जो स्वेटिंग हो तो आए तो मेकअप बहना हमारा। अच्छे से फुल फेस पे अपने कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेना है। इसके बाद मैंने ब्लू काजल लिया था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो मैंने उसे ही अप्लाई एज ए आई शेडो अप्लाई किया है। दोनों आईज पे उसे एज ए आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। काफ़ी इजी ब्लेंड नहीं हुआ, बहुत ही मुश्किल मशक्क़त के बाद ये ब्लेंड हुआ। आप देख सकते हो अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। अब अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई क्रीज ना रहे। अब मैं आई शेडो से स्काई ब्लू कलर लूँगी ब्रश में और उसे अपने जो मैंने आई शेडो लगाई थी उसके ऊपर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो हमारी कोई भी क्रीज बची हो वो फिल हो जाए और कोई भी क्रीज ना दिखाई दे। आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई किया था थोड़ा। फिंगर की हेल्प से कलर अच्छे से लग जाते हैं। इसके बाद मैंने स्पार्कल आई शेडो लिया है और उसे ब्लेंड करूँगी। आज हम ब्लू स्मोकी आइज करेंगे। देख सकते हो कितना अमेजिंग लुक बन गया है एक आई शेडो का। और अब आईलाइनर लगाएंगे, इसे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैंने मोटा मोटा अप्लाई किया है लाइनर, आप चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हो। आराम से आईलाइनर को अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। दोनों आईज पे आईलाइनर अप्लाई हो चुका है। अब मैं वाइट काजल लूँगी और उसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। देख सकते हो दोनों आईज पे काजल को अप्लाई कर लिया है और मैं वही कलर आई शेडो लूँगी और उसे लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी काजल के नीचे लैश लाइन पे। आए क्योंकि आज ब्लू स्मोकी आई है आईस है, तो नीचे भी ब्लू हम टच देंगे स्मोकी लुक के लिए। आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने जेल आईब्रो लिया, आईब्रो पैलेट लिया, उसे अपने आईब्रो को फिल करूंगी। जल से काफ़ी अच्छी फीलिंग हो जाती है। मैंने फर्स्ट टाइम किया है, वैसे मैं पाउडर यूज़ करते थे बट आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जल से आईब्रो को फिल करके। काफ़ी इजी स्मूथ ब्लेंडिंग स्मूथिंग से ये फिल हो गई और कितनी अच्छी आईब्रो बन के आई है। इसके बाद लिप लाइनर अप्लाई करूँगी ब्राउन जो कि मेरे पास है। अपने अच्छे से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लेंगे। इसके ऊपर मैं न्यूट्रल अप्लाई करूँगी क्योंकि हमारी आई स्मोक है तो न्यूट्रल है। इस पर हम बोल्ड लिपस्टिक नहीं अप्लाई कर सकते, बोल्ड अप्लाई करेंगे तो अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने लिप ग्लोस लगाया है। अब देख सकते हो कितना अच्छा मेकअप लुक बन के आया है। अब मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। अपर एंड लोअर लैश लाइन पे मस्कारा अप्लाई कर लेंगे और हाइलाइटर
पहले आइस के इनर कॉर्नर पे, बाद फुल फेस पे जहाँ जहाँ हमें हाईलाइटर की आवश्यकता है वहाँ वहाँ हाईलाइटर अप्लाई कर लेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट भी किया करो, लाइक सब्सक्राइब सब किया करो। जो नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हो कितना फाइनल लुक, कितना अमेजिंग बन के आया है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बताना कि वीडियो आपको मेकअप लुक कैसा लगा, जैसे कि मैं और नेक्स्ट मेकअप लुक जो देखना चाहती हूँ वो मुझे कमेंट में बताना, मैं वैसा मेकअप लुक लेके आऊँगी। ओके बाय बाय, टाटा लव यू।